मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। और ये बिगड़ा हुआ कफ बच्चों को चिड़चिड़ा बनाएगा, चिड़चिड़ा। बच्चों को अगर नींद पूरी नहीं लेंगे, इसको ध्यान रखिए, तो उनमें चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा भी आएगा। और चिड़चिड़ापन और गुस्सा उनमें है तो वो आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। आप उनको लाख अच्छी बात कहो, वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि शरीर को मस्तिष्क जो है नियंत्रित करता है। मस्तिष्क कफ के प्रभाव में है, कफ बिगड़ा हुआ है, सुधरा हुआ नहीं है, क्योंकि नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, तो ये तो संकट आने ही वाला है। तो अक्सर घरों में ये समस्या मैं सुनता हूं, वो कहते राजीव भाई बच्चे हमारी सुनते नहीं। वो सुनेंगे तब तक नहीं जब तक नींद पूरी नहीं हो रही है। आप उनकी नींद पूरी होने दीजिए, 8 घंटे 9 घंटे की 10 घंटे की नींद पूरी, फिर देखिए वो कितने अच्छे से सुनते हैं। अब मैं आता हूं जो आपने प्रश्न किया। जब आदमी कफ के असर में होता है, कोई भी बच्चा हो तो भी बड़ा हो तो भी, कफ के असर में जब भी होगा, चिड़चिड़ा होगा, गुस्सेल होगा, क्रोधी होगा, लड़ने को हमेशा तैयार होगा, और बहुत कफ अगर उसका बिगड़ा हुआ है तो वो ऐसा ही होगा जैसे कल बेनजीर भुट्टो को गोली मारने वाला। ये कफ के असर में ही होता है, तब होता है। कोई भी कफ प्रकृति का व्यक्ति किसी को भी गोली मार सकता है, अगर उसका कफ इतनी तीव्रता पर है, बिगड़ा हुआ, गोली मार सकता है, बम मार सकता है। किसी के खून को निकलते देख उसके कफ को शांति आती है, मन में उसके संतुलन आता है। तो कफ जो है ना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब ये बाहर जाता है तो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। और दुनिया में जो अध्ययन हुए हैं, जो अभ्यास हुए हैं कि जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं दुनिया में, वो कफ के असर में ही सारे अपराध करते हैं। लेकिन कफ बिगड़ा हुआ है, और इसी कफ का असर है कि प्रेम भी बहुत पैदा होता है। बहुत प्रेम पैदा होगा इसी कफ के असर में। आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं ना, आपके दिल में अत्यंत प्रेम पैदा हो जाता है, वो कफ का असर है। कफ प्रेम भी पैदा करता है और कफ आदमी को जहरीला भी बना देता है। महत्व की बात है कि कफ जब तक नियंत्रण में है तो प्रेम भाव पैदा करेगा, सद्भाव पैदा करेगा, और जब ये बिगड़ गया, निकल गया बाहर, तो ये खतरनाक से खतरनाक चीजें बता देगा। अब मैं आपको बागवट की बात छोड़कर मेरी बात एक जोड़कर सुनाता हूं तो बहुत अच्छे से समझ में आए। आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में पढ़ा होगा कि दुनिया में सबसे खराब बच्चे अमेरिका के हैं, सबसे खराब बच्चे दुनिया में, सबसे खराब, उनकी खराबी का कोई लिमिट नहीं है। आपने अक्सर न्यूज़पेपर पढ़े हैं कि हाई स्कूल के बच्चे जेब में से रिवॉल्वर निकाला और पट 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 टीचर को मारा, अपने पड़ोसी को मारा, इसको मारा, और अंत में खुद को मारा। अमेरिका की मुश्किल से कुल आबादी 27 करोड़ है, इसमें से लगभग 3 करोड़ के आसपास बच्चे हैं, ऐसा वो कहते हैं। इन 3 करोड़ बच्चों में 30 लाख जेल में बंद हैं, जेल में बंद हैं, और जिनकी उम्र 14 साल की, 12 साल की, 11 साल की, 10 साल की, ऐसी उम्र के बच्चे जेल में बंद है। होना चाहिए स्कूल में लेकिन है जेल में। ये जो अमेरिका की स्थिति है, ये कनाडा की भी है, यही स्थिति ब्रिटेन की है, यही फ्रांस की है, यही जर्मनी की है, यही स्वीडन की है, यही स्विट्जरलैंड की है। इन सभी देशों में जो ठंडे देश माने जाते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, अमेरिका यूरोप के देशों में सबसे ज्यादा जो अपराध हो रहे हैं उनमें लगभग 65 से 70% अपराध बच्चे कर रहे हैं। वो चाहे बलात्कार के हों, चाहे छेड़खानी के हों, या गोली मारने के हों, या लूटमारी के हों, बच्चे कर रहे हैं। बच्चे जिनको हम 14 साल तक की उम्र का मानते हैं वो कर रहे हैं। परिणाम क्या है? बिगड़े हुए कफ के प्रभाव में हैं वो सब बच्चे। बिगड़े हुए कफ के प्रभाव में जो भी रहेगा हिंसा ही करेगा, अहिंसक हो नहीं सकता। कफ जैसे ही बिगड़ता है तो हर तरह के निगेटिव विचार और बुरे विचार शरीर में आएंगे। अब वो शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है, इसको रोकना है तो क्या करें? इसको रोकना है तो कफ कम करो, बिगड़ने मत दो। और कफ बिगड़े नहीं तो बागवट जी कहते हैं इसकी सबसे अच्छी अचूक दवा है भरपूर नींद लेना, मुफ्त का इलाज है।
बिगड़े हुए कफ को सुधारना है कंट्रोल में। ये बड़ों के लिए भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि आगे आपको भी समझ में आएगा कि आपके शरीर में भी अगर कफ की स्थिति बिगड़ रही है तो भरपूर नींद लेना शुरू करिए, कफ अपने आप आपका कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि शरीर ही कर लेता है ये सब। बस ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये है कि बच्चों को चिड़चिड़ेपन से बचाना, गुस्से से बचाना, निगेटिविटी से बचाना, गलत रास्ते पे ना चले जाएं। अब गलत रास्ता आप सब समझते हैं, जैसे हमारे प्रदीप भाई कह रहे थे कि आजकल बच्चे भाग रहे हैं घर छोड़कर बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, ये बिगड़े हुए कफ की अवस्था है। क्योंकि मैं तो ट्रीटमेंट भी करता हूं होम्योपैथी में, ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां इलाज के लिए मेरे पास आते हैं जो घर छोड़कर भागे हुए। क्यों भाग गए जी? पिताजी अच्छे नहीं लगते, माताजी अच्छी नहीं लगती, जिन माता पिता ने पैदा किया वो ही अच्छे नहीं लगते। कफ इतना खतरनाक है, आप जरा समझिए इस बात को। जो माता पिता ने जीवन के सारे कष्ट झेलकर उनको बड़ा कर दिया 14 साल का, क्योंकि मैं आपको एक विनम्र बात कहना चाहता हूं, मेरा ऑब्जर्वेशन है, दुनिया में बच्चों को बड़ा करना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम मानता हूं। धीरू भाई अंबानी होना सबसे आसान काम है। हाँ, आपके पास कुछ पैसा नहीं है, 10,000 करोड़ बनाना, 20,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ बनाना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। लेकिन एक बच्चे को बड़ा कर देना या दो बच्चे को बड़ा कर देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप फैक्ट्री चला सकते हैं, एक चला सकते हैं, 10 चला सकते हैं, 20 बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि उसको मैनेज करने के लिए बहुत मैनेजर आपको मिल जाएंगे, विशेषज्ञ मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे को बड़ा करने के लिए मैनेजर किराए पे नहीं मिलता, मिलता है तो वो बच्चों को बड़ा नहीं कर सकता। दुनिया में एक्सपेरिमेंट हुए हैं, परिवार के बाहर बच्चों को बड़ा करने के सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट यूरोप में हुए हैं। कॉन्वेंट है ना, कॉन्वेंट, ये बच्चों को बड़ा करने के ही केंद्र हैं। ऐसे बच्चों को जो परिवार से बिछड़े हैं, छूटे हुए लावारिस बच्चे, कॉन्वेंट स्कूल सब फेल हो गए अमेरिका और यूरोप में, वो बच्चों को सिखा नहीं पाए जो सिखाना चाहिए, और ज्यादा कॉन्वेंट के बच्चे ही वहां मर्डर कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, जेब काट रहे हैं। तो बच्चे को बड़ा करना मैं मानता हूं दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और आप जो भी अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं आप समझ लीजिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम आप कर रहे हैं। तो इसमें छोटी सी बात याद रखिए कि ये बच्चे ठीक से बड़े हों, कफ का बिगाड़ इनको कहीं गलत रास्ते पर ना ले जाए, तो इसके लिए बहुत सरल उपाय है कि नींद उनको भरपूर लेने दीजिए।